भोला एक मेहनती और ईमानदार किसान था। साहूकार ने धोखे से उसके खेत हड़प लिए थे, जिसकी वजह से भोला साहूकार के खेत में मजदूरी करता था और बदले में ये लो अपना मेहनताना और कल सुबह वक्त से खेत पर काम करने आ जाना। मालिक, ये तो बहुत कम पैसे हैं, थोड़े और दे देते तो घर में आटा चावल आ जाता। साहूकार ने बड़ी बड़ी आंखों से भोला को घूरा और अपनी चाबुक से 2-3 कोड़े उस पर लगा दिए। बेचारा भोला साहूकार से पिटकर अपने घर वापस आ गया। ये क्या हुआ जी? साहूकार ने बहुत मारा, मेहनताना भी पूरा नहीं देता है, मैं अपने बीवी बच्चों के ख्वाहिशें कैसे पूरी कर पाऊंगा? त्योहार भी आने वाले हैं, हमें खाने को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है, न जाने हमारा क्या होगा। वहीं दूर खड़ा दीपू सारी बातें सुन रहा था। उससे अपने अब्बू की ऐसी दशा देखी नहीं जाती थी, वो भी अपने अब्बू के साथ खेतों पर काम करने जाने लगा। दीपू, जरा यहाँ से पत्थर हटा दो और मेरे घर की साफ सफाई भी कर देना, बहुत घास उगाई है। सफाई करते वक्त दीपू को खेत से एक कटी फटी पतंग मिलती है। दीपू उसे एक मामूली पतंग समझकर अपने घर ले आता है और अच्छी तरह से उसकी मरम्मत करता है और अपने कमरे में रख देता है। ऐसे ही कई रोज बीत जाते हैं और किसी का ध्यान उस पतंग की तरफ नहीं जाता, सब उसे मामूली पतंग ही समझ रहे थे। एक रोज भोला और दीपू जब खेत पर काम के लिए चले गए, मीना घर के कामों में मशरूफ थी। तभी मुन्नी खेलते खेलते उस कमरे में दाखिल हुई और उस पतंग को हाथों में लेकर बाहर बगीचे में आ गई। वो उस पतंग को उड़ाने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे पतंग उड़ती उसका आकार बड़ा हो जाता और हाथ में आते ही पतंग फिर से छोटी हो जाती। पतंग रानी खेलो तुम मेरे साथ, मेरी हो तुम, मेरी हो उड़ जाओ मेरे साथ। मुन्नी उस जादुई पतंग के साथ मजे ले रही थी, अचानक वहाँ झाड़ियों से एक लंबा और मोटा सा सांप निकल आया, जिसे देखकर वो घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, सांप से बचाओ, सांप आ गया। उसके हाथों से पतंग छूट गई। हाथों से छूटते ही पतंग का कद बढ़ने लगा और उसका धागा मोटी रस्सी में तब्दील हो गया। वो सांप मुन्नी को डसने ही वाला था कि पतंग का धागा सांप पर लिपट जाता है और कुछ ही देर में सांप मर जाता है। मुन्नी की चीख सुनकर मीना दौड़कर घर से बाहर आती है। उसने मुन्नी को गले लगा लिया और पतंग को हाथ में लेकर वापस घर में दाखिल हो गई। उसने पतंग का करिश्मा देखकर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। शाम को मीना और मुन्नी पतंग के बारे में भोला और दीपू को बताते हैं। वो दोनों ये समझ चुके थे कि ये कोई मामूली पतंग नहीं है, बल्कि ये करिश्माई पतंग है। अब ये पतंग जहाँ मैं जाऊँगा मेरे साथ ही जाएगी। मैं ईमानदार लोगों के साथ रहती हूँ, जिसका मन साफ हो और मन में कोई धोखा या फरेब ना हो। एक रात की बात है, चांदनी रात थी, पतंग दीपू के साथ ही कमरे में उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अचानक पतंग के अंदर से रोशनी शुआ निकलने लगी। दीपू की आँख खुल गयी और उसने मीना भोला को आवाज लगाकर जादुई पतंग के अंदर से निकलती हुई रोशनी को दिखाया। सब लोग बहुत ही हैरानी से ये सब देख रहे थे और थोड़ी देर में पतंग बिस्तर पर लेट गई और जब दीपू ने उसे उठाकर दूसरी जगह पर रखा तो उसके नीचे से एक सोने का सिक्का मिला। ये करिश्माई पतंग ने दिया है, ये कितना सुंदर है। जादुई पतंग, तुम्हारी वजह से हमारी गरीबी अब दूर हो जाएगी। अब तक भोला के घर वालों को 3-4 सिक्के मिल चुके थे। उसने और दीपू ने साहूकार के यहाँ मजदूरी करना बंद कर दिया और एक दिन मालिक, मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए। ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तुम्हें जो तुमने मेरे खेतों में काम करना बंद कर दिया? मालिक, दीपू को एक जादुई पतंग मिली है जो हमें सोने का सिक्का देती है। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हारे पास कोई जादुई पतंग है? मुझे तो लगता है तुमने और तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। यकीन कीजिए मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। साहूकार पुलिस को बुलाकर भोला को पुलिस के हवाले कर देता है। शाम को जब भोला घर वापस नहीं आता तब दीपू साहूकार के घर जाकर देखता है। बहुत अहम आ गया है तुम दोनों में, तुम्हारे अब्बू को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। रहम कीजिए मालिक, मेरे अब्बू बेकसूर हैं, उन पर लगा इल्जाम वापस ले लीजिए। दीपू बहुत रोता है लेकिन साहूकार पर कोई असर नहीं होता। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई पतंग है? हाँ है। वो मुझे दो।
मालिक वो आप मत लीजिए, एक वही तो है जो हमारी गरीबी का सहारा है। साहूकार दीपू को चोर का बेटा कहकर बहुत मारता है और घर से बाहर निकाल देता है, पर इन सब के बावजूद साहूकार के दिल को सुकून नहीं मिलता। वो जादुई पतंग को हासिल करने की तरकीब सोचने लगता है और रात होने पर भोला के घर अपने गुंडों को भेजता है। पतंग दीपू के पास में ही पड़ी रहती है। जैसे ही गुंडे घर में घुसते हैं, जादुई पतंग को पता चल जाता है और जादुई पतंग उड़कर अपना कद बढ़ा लेती है और वो अपने धागे में गुंडों को लपेटकर उनकी खूब पिटाई करती है। दीपू, मीना और गांव के काफी लोग शोर सुनकर वहां आ जाते हैं और गांव वाले सभी लोग जादुई पतंग का करिश्मा देखते हैं। जादुई पतंग अपने तेज धार वाले मांझे से उन गुंडों को गंजा कर देती है और उनकी मूछें भी हजामत कर देती है। वो लोग दीपू और मीना से माफी मांगते हैं। तब दीपू पतंग से कहकर उन्हें छुड़वाता है और वो दोनों वहाँ से रोते चिल्लाते भाग जाते हैं। तुम उस मामूली से पतंग से पिट कर आ गए, तुमने मेरी नाक कटा दी, अब तो वो पतंग मुझे हर हाल में चाहिए। उधर दीपू पुलिस स्टेशन में जाकर अपने अब्बू की जमानत करवा कर उन्हें घर ले आता है। साहूकार भी चैन से बैठने वाला नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आता है कि भोला की जमानत हो गई और उसके गुंडे भी पिटकर वापस आ गए। एक दिन साहूकार दीपू को उसकी जादुई पतंग के साथ अपने घर बुलाता है, ये कहकर कि वे उनकी जमीन वापस देना चाहता है। दीपू जादुई पतंग की डोर को पकड़कर उड़ते हुए साहूकार के घर पहुंचता है। दीपू, तुम्हारी पतंग तो बहुत खूबसूरत है, अंदर मेज पर तुम्हारी जमीन के कागजात रखे हैं, जाओ तुम उन्हें अंदर जाकर ले लो। दीपू जादुई पतंग को अपने साथ ले जाना चाहता है, पर साहूकार कह देता है कि इसे यहीं बाहर पेड़ से बांध दो, कहां उड़कर जाएगी तुम्हारी पतंग। उधर दीपू कागज लेने अंदर जाता है और इधर, अब देख जादुई पतंग, मैं तेरा हाल बेहाल करता हूँ, बहुत तकलीफ दी है तूने मुझे। वो लाइटर ऑन करके जादुई पतंग में आग लगा देता है। दीपू जैसे ही अंदर से बाहर आता है वो ये देख कर चिल्लाने लगता है कि उसकी पतंग का एक छोटा सा कोने वाला हिस्सा जल चुका है। मुझे जल्दी से पेड़ से खोलो। दीपू जादुई पतंग को पेड़ से खोल देता है और तभी जादुई पतंग का कद तेजी से बढ़ने लगता है। वो साहूकार के पीछे दौड़ने लगती है। साहूकार के कपड़ों में आग लग जाती है। जादुई पतंग में लगी आग अब तक बुझ चुकी होती है, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा होने के कारण आग अधिक हिस्से तक नहीं फैल पाई। साहूकार चिल्लाता हुआ अपनी आग बुझाने नहर की तरफ भागता है, पर नहर में पैर फिसलने की वजह से वो पानी में बहने लगता है। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। तभी वहाँ गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और भोला, मीना और मुन्नी भी तशरीफ ले आते हैं। साहूकार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दीपू जादुई पतंग को कहता है कि साहूकार को बचा ले। जादुई पतंग अपने धागे की रस्सी साहूकार में लपेट के उसे ऊपर खींच लेती है और साहूकार की जान बच जाती है। कुछ ही देर में साहूकार कहता है, दीपू मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं है मालिक, आप हमारे गांव के साहूकार हैं, अब हम सब एक हैं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा से कभी भी किसी किसान को नहीं सताऊंगा। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और साहूकार भोला पर लगाए अपने सारे इल्जाम वापस ले लेता है और उसके साथ साथ गांव वालों की जमीन भी वापस कर देता है। दीपू, मुन्नी, भोला और मीना और साथ में जादुई पतंग खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं।